मध्य प्रदेश की खंडवा रेलवे पुलिस और आरपीएफ पुलिस ने मुंबई क्राइम ब्रांच से सूचना मिलने के बाद संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुंबई से दरभंगा की ओर जाने वाली पवन एक्सप्रेस में दबिश दी। पवन एक्सप्रेस के एसी कोच में दबिश देकर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई से दरभंगा की ओर जा रहे आरोपी विनोद कुमार झा और अमित कुमार यादव को एक ब्रीफकेस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस ब्रीफकेस से 2 करोड़ रुपए बरामद किए हैं, जो कि 500 और 2000 के नोट की दशा में रखकर ले जाए जा रहे थे। आरपीएफ और रेलवे पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी और रुपए की अफरा तफरी करने की धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच इन दो आरोपियों को ले जाएगी और आगे की कार्रवाई करेगी। महेंद्र कुमार खोजा टीआई आरपीएफ युवा टीआई हैं, कह रहे हैं कि मुंबई क्राइम ब्रांच की सूचना पर पवन एक्सप्रेस में दबिश दी। एसी कोर्स से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, इनसे 2 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। आगे की कार्रवाई मुंबई क्राइम ब्रांच करेगी। टीम भारती न्यूज। समय करीबन 8:30 बजे शाम के समय 20:30 बजे ये एसी कुशवा साहब ने फ़ोन करके मेरे को बताया कि उनको क्राइम ब्रांच मुंबई से फ़ोन आया है कि किसी कोई व्यक्ति पवन एक्सप्रेस के अंदर कुछ किसी को धोखा दे के पैसा लेके भागा है। मैंने आपके नंबर उनको दिए हैं, आप उनसे कोऑर्डिनेशन कर लीजिए और पता कर लीजिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए, वो आपसे बात करेंगे। ऐसे सूचना मिलने पर मेरे पास में क्राइम ब्रांच मुंबई से मिस्टर राहुल राठौड़ का फ़ोन आया और उन्होंने बात करके मेरे को बताया कि दो व्यक्ति जिनका नाम एक अमित यादव और विनोद झा है, जो कि मुंबई में किसी के साथ में धोखाधड़ी करके 2 करोड़ रुपये लेके भागे हैं, जो कि पवन एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर अभी उनकी लोकेशन अभी पवन एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर दिखाई दे रही है। सूचना मिलने पर मैं निरीक्षक इनके खोजा ये जीआरपी सीनियर पीआई मिस्टर हेमंत श्रीवास्तव साहब से ये फ़ोन द्वारा बात किया और उनसे कोऑर्डिनेशन किया और क्राइम ब्रांच मुंबई को भी बताया कि वो भी उनसे बात करके इसके बारे में जानकारी उनको दे। सूचना मिलने पर जीआरपी के साथ समन्वय करके और उपलब्ध स्टाफ के साथ में घेराबंदी करके दोनों को पवन एक्सप्रेस के एसी कोच में से A1 में से नीचे उतारा और उसके पास में से बरामद 2 करोड़ रुपए बरामद किए, जिनको ये जीआरपी के साथ में सील मोहर करके जमा किए। कहाँ से कैसे क्या किसको ठग क्या रहे थे, कुछ इसका खुलासा हो पाया है? इसका खुलासा अभी जानकारी नहीं हुई है, वो क्राइम ब्रांच के वो सवेरे तक आने वाले हैं, आने के बाद में इसकी जानकारी मिल पाएगी।